देवरिया के फतेहपुर में हुए सामूहिक हत्याकांड के बाद पूर्व सीएम सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव 16 अक्टूबर को जिले में आएंगे। इस दौरान वह श्रद्धांजलि सभा में भी शामिल होंगे। जानकारी के अनुसार फतेहपुर गांव में प्रेमचंद के मकान की पैमाइश के दौरान हंगामे के बाद धारा 144 लागू कर दी गई है। वहीं बैरिया घाट से लेकर पैमाइश स्थल तक हंगामा करने वाले अराजक तत्वों की पहचान कर कार्रवाई में भी पुलिस प्रशासन की टीमें लगी हुई है। गांव में किसी भी प्रकार की जुटान और धरना प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है। मृतक प्रेमचंद की पत्नी ने मांग किया है कि मानवीय संवेदनाओं को देखते हुए हिंदू रीति रिवाज से पति का ब्रह्मभोज कराने में मदद करें, जबकि दूसरी तरफ उसने कहा कि प्रशासन की पैमाइश के बाद आए एक पक्षी फैसले से बच्चे दहशत में हैं। अगर मकान पर बुलडोजर चला तो हम बर्बाद हो जाएंगे। एक तो पति की हत्या होने तो दूसरी तरफ छत भी गिर जाएगी तो मेरी दुनिया ही उजड़ जाएगी। कम से कम प्रशासन और शासन को हमारे ऊपर विचार करना चाहिए। मेरे मासूम बच्चे और मैं कहाँ जाऊँगी? अब तो मेरे पति भी नहीं रहे।